नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 17 अगस्त गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज़ बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयपुर कांग्रेस में टिकटों के लिए दावेदारों की लंबी कतार, राहुल बोले उनकी पहचान उनके कर्म है नाम नहीं। छात्र संघ चुनाव पर रोक संबंधी याचिका पर सुनवाई 19 को। वन बार वन वोट प्रकरण में सुनवाई 21 को। और 20 अगस्त को रायपुर आएंगे अमित शाह। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने से लेकर जयपुर में कांग्रेस के नेताओं ने टिकटों के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। हर सीट पर बड़ी संख्या में नेता टिकटों के लिए दावेदारी जता रहे हैं। जयपुर लोकसभा के ऑब्जर्वर अनुराधा मिश्रा आज राजधानी के कांग्रेसी नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक कर रही हैं। इस बैठक में टिकट के दावेदारों पर भी चर्चा होगी। पिछले दिनों कांग्रेस वॉर रूम में सभी 25 लोकसभा सीटों के ऑब्जर्वर की बैठक हुई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि 17 अगस्त को सभी ऑब्जर्वर फील्ड में जाकर बैठकें लेंगे। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम करने पर गुरुवार को राहुल गांधी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कहा उनकी पहचान उनके कर्म है नाम नहीं। राहुल लेह लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर हैं। यहां वे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। दरअसल केंद्र ने 15 अगस्त को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम व लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया। ये फैसला जून में लिया गया था। कांग्रेस केंद्र के इसी फैसले का विरोध कर रही है। नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी। राजस्थान हाईकोर्ट ने मौजूदा सत्र में प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर 19 अगस्त को सुनवाई करने का निर्णय किया है। याचिकाकर्ता शांतनु पारिक की ओर से जनहित याचिका पर जल्द ही सुनवाई करने की गुहार की गई थी। ऐसे में अब 19 अगस्त को CJAG मसीह की खंडपीठ मामले को सुनेगी। वहीं मामले में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा भी कैविएट दायर कर चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने दी बार एसोसिएशन जयपुर के 28 अगस्त को होने वाले वार्षिक चुनाव में 28 अगस्त 2022 से 27 अगस्त 2023 के दौरान किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं करने के संबंध में मांगे जा रहे शपथ पत्र मामले में सुनवाई 21 अगस्त तक टाल दी। CJAG मसीह व जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने ये आदेश नरेंद्र सिंह व अन्य की अपील पर दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा ने कहा कि चुनाव कमेटी ने शपथ पत्र पेश करने की तारीख 21 अगस्त तक बढ़ा दी है। खड़गे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह 20 अगस्त को रायपुर आएंगे। यहां वे जनजातीय मंत्रालय की ओर से साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर शाह भाजपा के आला नेताओं के साथ चुनावी तैयारी पर चर्चा कर सकते हैं। अजमेर में पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। एक घोड़े के मालिक ने 15 अगस्त के दिन उसे तिरंगे के रंग में रंग दिया और उसे लेकर पूरे शहर में घूमता रहा। इस दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद स्थानीय ट्री ऑफ लाइफ फॉर एनिमल्स संस्था ने इसे लेकर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड अजमेर के प्रतिनिधि को इसकी शिकायत दी। टोलफा के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर सुमित मेहता ने बताया कि इंस्टा पर यह वीडियो हमें मिला था। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने संगठन में कई अहम बदलाव करने के मूड में दिख रही है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस दिल्ली में नए प्रदेश अध्यक्ष का जल्द ही ऐलान कर सकती है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का कार्यकाल पूरा हो चुका है। नए अध्यक्ष की रेस में दिल्ली के पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली समेत कई नाम चर्चा में हैं। नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल बुधवार शाम दिल्ली कांग्रेस के करीब 10 नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा की। कर्नाटक में लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार को भ्रष्टाचार के केस में 48 जगह छापेमारी की। इन जगहों में बीदर, रायचूर, धारवाड़, दावणगेरे, कोडागु और चित्रदुर्ग शामिल हैं। जिन लोगों पर कार्रवाई चल रही है उनमें दावणगेरे में बेंगलुरु महानगर पालिका के एक पूर्व इंजीनियर, बीदर में एक कांस्टेबल और कोडागु में एक सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शामिल है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए राज्य में राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं के दौरे हो रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आए थे, लेकिन अब एक बार फिर से खड़गे 26 अगस्त छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आने वाले हैं। राजनांदगांव में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा होगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 19 अगस्त को KC वेणुगोपाल छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि 2 सितंबर को राहुल गांधी भी आ सकते हैं। कांकेर में राहुल गांधी की आमसभा होगी। लड़कियों को छेड़ने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस विभाग की ओर से
10 से 18 अगस्त तक ऑपरेशन गरिमा अभियान चलाया जा रहा है। बाड़मेर पुलिस का कहना है कि समाज कंटकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने शहर के स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ और छींटाकशी रोकने के लिए ये मुहिम शुरू की है। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस को सीधी टक्कर देने के लिए बुधवार से बहुजन राज अधिकार रथ यात्रा शुरू कर दी है। बसपा पहले फेज में पूर्वी व उत्तरी राजस्थान के 20 जिलों से ये रथ यात्रा निकालेंगे। पार्टी ने पहले फेज में उन जिलों को शामिल किया है जहां पहले पार्टी का वोट बैंक बढ़ा हुआ है तथा पिछले चुनाव में 6 प्रत्याशी जीत कर विधानसभा पहुंचे थे। यात्रा शुरू धौलपुर से हुई है और समापन 29 अगस्त को जयपुर में होगा। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की जनसभा भी हो सकती है। कोई भी बुजुर्ग अपनी संपत्ति से बेटे, बहू और किसी रिश्तेदार को अपनी संपत्ति से निष्कासित रखने का अधिकार रखते हैं। बुजुर्गों के प्रार्थना पत्र पर मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल निष्कासन का आदेश दे सकती है। ये बात राजस्थान हाईकोर्ट ने तय कर दी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने करीब 4 साल पुराने रेफरेंस को तय करते हुए ये बात कही। रेफरेंस आदेश में कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल को निष्कासन का आदेश देने का अधिकार है, लेकिन ये उसके स्वविवेक पर होगा। झुंझुनू के मुख्य चौराहे गुड़ा मोड़ पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लगाई गई सिग्नल्स लाइट पिछले 7 महीने से बंद है। वहीं जिम्मेदार एक दूसरे की गलती बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। लाइट बंद होने से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अनकंट्रोल हो रही है। शहर की सबसे व्यस्ततम सड़क होने के कारण जाम की स्थिति बन रही है। करीब 2 साल पहले ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए थे। मकसद था इस बिजी चौराहे पर बढ़ते यातायात की भीड़ को कंट्रोल करना, जो पूरा नहीं हो पाया। कारण ये है कि लगाने के बाद से ही ट्रैफिक सिग्नल्स बंद पड़े हैं। वन रक्षक भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के छाती माप परीक्षण के मापदंडों को हाईकोर्ट ने अपमानजनक एवं महिला की गरिमा का अपमान बताया। हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा कि किसी भी महिला की छाती का माप का मापदंड न केवल वैज्ञानिक रूप से निराधार है बल्कि अशोभनीय है। भर्ती में असफल रही 3 महिला अभ्यर्थियों ने यह कहते हुए याचिका पेश की कि प्रतिवादी ने छाती माप के बाद निर्धारित मापदंडों पर उनको असफल घोषित किया, जबकि उन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण पास किया था। सरकारी अधिकारियों को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेशी से बचाने के लिए केंद्र सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके तहत जजों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत जजों से कहा जाएगा कि वो बेहद अहम मामलों में ही सरकारी अफसरों को निजी तौर पर पेशी के लिए बुलाएं। इसके अलावा अफसरों को नोटिस देते समय ये भी बताएं कि उनकी हाजिरी क्यों ज़रूरी है। यही नहीं, यदि संभव हो तो पेशी के लिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प देना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।